गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। वेरिएशन मींस चेंज और प्रोपोर्शनेट, डायरेक्ट वेरिएशन और प्रोपोर्शनेट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। वेरिएशन मींस चेंज, सो व्हाट इज डायरेक्ट चेंज एंड इनडायरेक्ट चेंज? यू हैव गिवन टू क्वांटिटीज। व्हेन टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन अ सेम चेंजेस, सेम चेंजेस, that is direct variation. When two quantities are not to be said in same changes, jab same changes na ho, same changes na ho, that is indirect variation. For example, you have given two quantities, if one is increasing and other is also increasing, one is increasing the other is also increasing, or if one is decreasing, other is also decreasing. One is decreasing, second is also decreasing. Means same change ho raha hai dono mein. Here is also same change. That is direct variation. And when in indirect variation or indirect change, when one thing is increasing but second is decreasing. Jab ek to increase ho rahi hai but second kya ho rahi hai? Decrease ho rahi hai. Ya phir first is decreasing, second is increasing, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? Inverse changes हो रहा है, that is indirect variation या फिर inverse variation. So you can understand by this what is direct variation and indirect variation. अब कुछ example बताती हूँ, direct और indirect या inverse, इसको inverse भी बोलते हैं हम. डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की कुछ एग्जाम्पल बताते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट वेरिएशन. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट डायरेक्ट वेरिएशन, यू हैव गिवन हाइट एंड वेट ऑफ अ स्टूडेंट. इफ हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, अगर हाइट स्टूडेंट की इंक्रीज हो रही है तो वेट भी उसका क्या होगा? इंक्रीज होगा. इफ हाइट इज डिक्रीजिंग देन वेट भी क्या होगा? उसका डिक्रीज होगा. सिमिलर, तो यहां पर क्या हो रहा है? डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है. मींस अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो सेकंड भी उसके साथ इंक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है तो सेकंड भी उसके साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. सो दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ इनडायरेक्ट वेरिएशन. इनडायरेक्ट वेरिएशन, फॉर एग्जाम्पल, फाइव मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days. फाइव मैन कैन कंप्लीट अ वर्क, एक वर्क है, अगर फाइव मैन मिलकर करते हैं तो 10 days में कंप्लीट करते हैं. अब सेम वही वर्क है, अगर उसी वर्क को 10 मैन करे, तो उसी वर्क को 10 मैन मिलकर करे तो वर्क जल्दी कंप्लीट करेंगे या लेट? तो जल्दी कंप्लीट करेंगे. मींस फॉर एग्जांपल 5 days में कर लेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई तो 5 days में कंप्लीट कर लेंगे. तो यहां पे हमने क्या देखा कि अगर मैन इंक्रीज हो रहे हैं, मैन इंक्रीज हो रहे हैं तो डेज क्या हो गए? डिक्रीज हो गए. तो यहां पे कैसा हो गया रिलेशन? इनवर्स रिलेशन हो गया, या नेगेटिव रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन, दैट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन. नाउ दीज आर द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन. नोट दीज फॉर्मूला इन योर नोटबुक. सो व्हेन यू हैव गिवन टू क्वांटिटीज एक्स, एक सीरीज एक्स में होगी और एक वाई की सीरीज होगी, कुछ भी हो सकती है ये क्वांटिटीज हमारी. एक्स की सीरीज होगी एक्स एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन, एंड वाई की सीरीज क्या होगी? वाई वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड सो ऑन. सो इफ व्हेन देयर इज डायरेक्ट रिलेशन देन क्या होगा? डिवाइड. एक्स बाय में वाई इज इक्वल टू एक्स वन बाय में वाई वन, एक्स टू बाय में वाई टू. मीन्स इस सीरीज की डिवाइड इक्वल टू दिस सीरीज की डिवाइड, देन डिवाइड ऑफ दिस सीरीज. इनडायरेक्ट रिलेशन देयर विल बी डिवाइड. नाउ इनडायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन देन देयर विल बी मल्टीप्लाई. यहां हमने डिवाइड किया था, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू एक्स वन वाई वन है सेकेंड सीरीज, एक्स वन मल्टीप्लाई वाई वन इक्वल टू एक्स टू मल्टीप्लाई वाई टू. दीज आर द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन. Now we are starting our exercise, exercise 9.1. Question 1 is, which of the following show direct variation? हमें बताना है कि इन 5 parts में से कौन सा direct variation को show कर रहा है. First,
हाइट ऑफ अ चाइल्ड एंड हिज वेट एज ही ग्रो. एक चाइल्ड जब ग्रो हो रहा है तो उसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर हाइट इंक्रीज होगी उसके ग्रो होने पर तो उसका वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. सेंस है, नॉर्मल सेंस है. तो यहाँ पर कौन से चेंज हो रहे हैं, सेम चेंजेस हो रहे हैं. तो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है. देन बी पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक पर्सन और उसके डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है उनके बीच में वेरिएशन बतानी है कि कैसी है. इफ कार इज नॉट मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. अगर एक कार यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रही है, मींस उसकी स्पीड चेंज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है. तो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, जब डिस्टेंस 50 किलोमीटर का था तो 1 आवर ले रहा था वो बाय कार. डिस्टेंस जब 50 किलोमीटर का था तो 1 आवर ले रहा था बाय कार. अब बोला गया है कि स्पीड सेम नहीं है, स्पीड सेम नहीं है. कार की स्पीड पहले अगर 80 की थी, अब कार ने अपनी स्पीड कितने की कर ली, 60 की कर ली. तो स्पीड कम हो गई कार की, तो वही डिस्टेंस कितने में कवर होगा, यहाँ पे 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने में कवर होगा, ज़्यादा टाइम कम टाइम लगी, ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगे. क्या पता 1.15 आवर लग जाए या 130 आवर लग जाए. तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इनडायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन. नाउ सी पार्ट, वेजेस ऑफ अ वर्कर एक्स एंड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क. हमें बोला गया है कि वर्कर के वेजेस, वेजेस मींस सैलरी, एंड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क कि जितने ज्यादा आवर्स वो काम कर रहा है उसको उसके आवर्स के अकॉर्डिंग वर्क मिल रहा है. तो अगर उसकी आवर्स इंक्रीज हो जाए तो उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ डी पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड फीस पेड बाय स्टूडेंट. अगर एक स्टूडेंट की फीस 1000 रुपी है और 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग 1000 के अकॉर्डिंग 50,000 हो जाएंगे. सिमिलर अगर स्टूडेंट इंक्रीज हो जाए, पहले 50 स्टूडेंट थे अब कितने स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल 60 स्टूडेंट होगी तो टोटल फीस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पर भी कौन सा हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ ई पार्ट, नंबर ऑफ रेनी डेज एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑन दीज डेज. हमें बताना है कि नंबर ऑफ रेनी डेज कि जैसे ही बारिश के दिन ज़्यादा होते हैं, बारिश क्या हो जाती है, बारिश तो ज़्यादा होती है लेकिन उसका अमाउंट क्या होता है, रेनफॉल का कम हो जाता है. दैट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद वाई. हमें बताना है कि हमें टू पार्ट्स गिवन है, इन टू पार्ट्स में से किस किस में एक्स वाई के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है, डायरेक्ट चेंजेस में है. तो हमें कुछ फिलअप नहीं गिवन है, हमें सीरीज गिवन है, एक्स की सीरीज और वाई की सीरीज. डायरेक्ट मीन्स सेम और सेम प्रपोर्शन और सेम चेंजेस और सेम रेशो. सो इन फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू एक्स एंड वाई की सीरीज गिवन है हमें 5/15, 8/24, 9/27 एंड 11/33. सो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. x बाई वाई 5/15 इक्वल टू 8/24 इक्वल टू 9/27 इक्वल टू 11/33. हमने कट करके देखा, 5 1s 5 3s, इसको कट किया 1/3 आया, यहाँ पर कट करने पे 1/3 एंड यहाँ पर कट करने पे भी 1/3. तो हमारी रेशो क्या आ गई, सारी जगह सब में क्या आ गई, रेशो 1/3. तो सेम वेरिएशन हो रहा है हम देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन. अगर यहाँ पर, यहाँ तो 1/3 आ रहा है, यहाँ 1/3, यहाँ 1/3, अगर यहाँ कट करने पर 1/3 ना आता, कुछ और आ जाता, 1/4 आ जाता, तो हम क्या कहते, नो इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन. दैट इज क्वेश्चन नंबर टू. सिमिलर यू कैन डू इट्स बी पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. इन थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज्यूमिंग दैट एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद वाई. हमें बोला गया है कि इस टेबल को कंप्लीट करो जब एक्स वाई सीरीज के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है. डायरेक्ट रिलेशन में हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे. तो हमें सीरीज गिवन है एक्स और वाई की और कुछ फिलअप गिवन है, तो हमें उन फिलअप्स को कंप्लीट कर. सो एक्स इज इन डायरेक्ट रिलेशन विद वाई, तो डायरेक्ट रिलेशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड. तो हमें कुछ फिलअप्स गिवन है 60/4,
यहाँ नहीं गिवन क्या फिल करना है, 180/12 आ रहा है, देन इधर नहीं गिवन क्या आ रहा है, देन हमें फिल करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ से 4 से कट किया, 4 ones 4 15s 15 पे कट होता है ना 60, तो कितना आ गई रेशियो 15/1। तो यहां पर क्या लिखे कि 15 आ जाए ऊपर और नीचे 8, जब 8 से कट करेंगे तो ऊपर कितना आना चाहिए 15, तो हम क्या लिखेंगे 15 8 15 8 120 120 लिखेंगे, तभी 8 से कट होगा और यहां पे 15 आ जाएगा। सिमिलर 12 ones इसको कट करेंगे, 15 पर कट हुआ, देन 15 ones यहां से कट करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे 225, तभी 15 आएगा, यहां पे 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहां पे 225। नेक्स्ट 20 है, 20 को 15 आ जाए ऊपर, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, तो यहां पर क्या आना चाहिए 21 20 15 300। देन यहां पर कट करेंगे कि कितना आ जाए, 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 375, कि 25 से हमने कट किया तो 15 आया यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं कि हमारे ऊपर की रेशियो 15 आ रही थी, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए 375। अब हमारे ऊपर के नंबर एज अ न्यूमिनेटर निकल गए हैं, तो हम इस रिजल्ट को हम अपनी टेबल में फिल कर सकते हैं। तो हमारी न्यू टेबल बनाएंगे हम, एक्स वाई देन 60/4, यहाँ 8 है, यहाँ रिजल्ट क्या आया था 120, यहाँ रिजल्ट क्या आया है 180/12, देन 15 से किस यहाँ क्या आया था 225, देन क्या रिजल्ट आया है 300 by 20, देन क्या रिजल्ट आया 375/225। हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, विकी बोर्ड 15 नोटबुक्स फॉर 240 रुपीज, हाउ मैनी नोटबुक्स कैन ही बाय फॉर 160 रुपीज। हमें बोला गया है कि 240 रुपीज में विकी ने 15 नोटबुक्स परचेज की, तो बताओ 160 रुपीज में कितने नोटबुक्स परचेज करेगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम यूनिटरी मैथड से करते आ रहे हैं इसे 6th और 7th क्लास में, लेकिन अब हम ग्रो कर चुके हैं तो हम 8th क्लास में हो आप लोग, तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़े अपग्रेड मेथड से करना होगा। पहले जब आप इसे यूनिटरी मेथड से करते थे तो कुछ इस तरह से करते थे कि 240 रुपीस में कितनी नोटबुक्स परचेज की 15, तो 1 नोटबुक कितने में करेगा 15/240 रुपीस, देन 160 में कितनी करेगा 15/240 × 160, 0 से 0 कट, 8 2s 8 3s 3 1s 5, देन 10 नोटबुक्स, तो 160 में कितनी करेगा 10 नोटबुक्स। लेकिन ये यूनिटरी मेथड है, ये हम पहले करते थे 6th 7th में, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ग्रो अप हो चुका है तो हमें अपना मेथड भी ग्रो करना पड़ेगा। तो अब हम अपना इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन मेथड से करेंगे। तो हमने क्या किया इन 4th क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ नोटबुक एज एक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स को क्या लेट कर लिया एक्स, और इसकी कॉस्ट को क्या अलेक्ट कर लिया वाई। तो हमने अपनी वही टेबल बना ली, नंबर ऑफ नोटबुक एज एक्स, कॉस्ट वाई, नोटबुक्स, जब 15 नोटबुक्स कितने में परचेज करता था 240 रुपीज में, कॉस्ट किस में है रुपीज में है ना, 15 नोटबुक्स 240 रुपीज में परचेज करता था, तो अब बताओ 160 रुपीज में, रुपीज दे रखे तो 160 यहां लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, 160 रुपीज में बताओ कितनी नोटबुक्स परचेज करेगा। तो अब ये बताओ, हमें इतना तो पता है कि सेंस है हमारी 240 में 15 हो रही है, तो 160 में 160 240 से कम है, तो 160 में नोटबुक्स कम होगी या ज़्यादा, कम होगी। मींस अगर कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो नोटबुक्स भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी वेरिएशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो there is direct variation between
एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट है तो डिवाइड करेंगे हम 15 बाय 240। वहां पे हम क्या लेट कर ले, एक्स लेट कर ले, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं हम, एक्स बाय में 160। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 15 कट भी कर सकते हैं या सोल्व भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से, 240 मल्टीप्लाई एक्स, 15 मल्टीप्लाई 160, 240 यहां है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 160 बाय में 240, 0 से 0 कट, 8 2 8 3 3 1 3 5 5 2 10 10 नोटबुक्स। तो हम अपनी टेबल में 10 फिल कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आया, 10। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आरुषि टेक्स 130 मिनट्स टू वॉक ए डिस्टेंस इन 110 मीटर। आरुषि 110 मीटर के डिस्टेंस को 130 मिनट में कंप्लीट करती है, देन हाउ मच टाइम विल शी टेक टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 275 मीटर। तो बताओ 275 मीटर के डिस्टेंस को कितने टाइम में कंप्लीट करेगी। हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो वही सेम एज क्वेश्चन 3, हमें टाइम और डिस्टेंस गिवन है, हम एक यूनिट को क्या लेट कर लेंगे एक्स और सेकेंड यूनिट को क्या लेट कर लेंगे वाई। तो टाइम को क्या लेट कर लिया मैंने एक्स, और डिस्टेंस जो मीटर में है उसको क्या लेट कर लिया वाई। लेट टाइम इन मीटर मिनट एज अ एक्स एंड डिस्टेंस इन मीटर एज अ वाई। अब टेबल में फिल किया, टाइम एक्स सीरीज का है, डिस्टेंस इसको शो कर रहा है वाई सीरीज को, आप एक्स नीचे भी ले सकते हो, वाई ऊपर भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। तो जब हमें टाइम 130 मिनट गिवन था तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा था, 110। जब अब क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, स्पीड के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया, तो स्पीड हम क्या मान के चलेंगे, स्पीड हमारी सेम है। अब अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो डिस्टेंस इंक्रीज होने पर टाइम भी ज्यादा चलेगा, तो कौन सा रिलेशन हो गया, देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन, वेरिएशन। सो जब डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों के बीच, 130 बाय में 110 इज इक्वल टू, यहां पे हमें कुछ नहीं गिवन तो हम इसको क्या लेट कर सकते हैं, एक्स टू या कुछ भी हम फिल कर सकते हैं यहाँ पे अपनी तरफ से, क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो। तो मैंने एक्स टू ले लिया, 275। अब हमें x2 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 110 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू में 130 मल्टीप्लाई 275, 110 मल्टीप्लाई में तो वहां जाकर डिवाइड में, x इज इक्वल टू में 130 मल्टीप्लाई 275 अपॉन में 110, 0 से 0 कट, 11 पर कट किया, 11 टू जा 11 फाइव जा, देन 13 से 25 को मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो हमारी x की वैल्यू, x2 की वैल्यू आ गई 325 मिनट। मिनट क्यों आया, क्योंकि हमें टाइम निकालना था जो मिनट में है, तो हमारी x की वैल्यू आ गई। नंबर 6, अ ट्रेन इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। हमें एक ट्रेन की एवरेज स्पीड गिवन है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी कवर इन 25 मिनट्स। हमें टाइम गिवन है 25 मिनट, तो बताओ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इन सिक्स्थ क्वेश्चन, एवरेज स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज गिवन 25 मिनट। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमें स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, पर टाइम गिवन है मिनट में, तो मिनट में तो होता ही नहीं यूनिट, तो मिनट से हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में। मिनट से आर में कन्वर्ट करने के लिए बाय में 60 किया, हमने 25 बाय 60 आ गया। अब स्पीड मल्टीप्लाई टाइम में पुट किया, स्पीड है 70 और टाइम कितना है 25 बाय 60, 0 से 0 कट, 25 7 जा 175 डिवाइड बाय 6, डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया, 29.17 किलोमीटर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन 7th क्वेश्चन, ऑन अ पर्टिकुलर डे $150 आर वर्थ 7425। एक पर्टिकुलर डे पर
$150 की वैल्यू है 7425. ऑन द सेम डे व्हाट विल बी द वर्थ ऑफ द $250. हमें $250 की वैल्यू बतानी है. सो सेम एज अ फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, लेट यूएस डॉलर एज अ एक्स एंड वर्थ रुपी एज अ वाई. हमने यूएस डॉलर को एक्स में लेट कर लिया और वर्थ को वाई में लेट कर लिया. सो टेबल बनाई, सबसे पहले हमने यूएस डॉलर एज अ एक्स सीरीज एंड वर्थ एज अ वाई सीरीज. 150 यूएस डॉलर कितने को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, 7425 को. तो बताओ $250 कितने को रिप्रेजेंट करेंगे. हमें नहीं पता कितने को करेंगे, तो हमने क्या लेट कर लिया, वाई या वाई टू, आप कुछ भी लेट कर सकते हो यहाँ पे. तो जब यू 150 इतने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 250 कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, कम को या ज़्यादा को. ज़्यादा को करेंगे, 250 की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो अगर डॉलर इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है. डायरेक्ट रिलेशन है तो क्या होएगा, डिवाइड होएगी 150 बाय में 7425 बाय में 250 बाय में वाई टू. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 150 मल्टीप्लाई वाई टू इज इक्वल टू में 250 मल्टीप्लाई 7425. 150 को वहां ले जाएंगे और वाई टू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, 12375 रुपीज. ये हमारी क्या है, 250 यूएस डॉलर की वर्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज कट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अ वर्कर इज पेड 240 रुपीज फॉर 5 डे वर्क. 5 डे के लिए उसको 240 रुपीज दिए जाते हैं. उसकी टोटल इनकम है 1008 रुपीज. बताओ कि हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क. अब हमें डेज फाइंड आउट करने हैं इस इनकम के लिए. सो हमने इनकम को एक्स और डेज को वाई लेट कर लिया. लेट इनकम एज अ एक्स एंड डेज एज अ वाई यूनिट. तो इनकम रुपीज में एक्स और डेज वाई में. 240 रुपीज उसको कितने दिन के लिए मिल रही है, 5 डे वर्क करने के लिए मिल रही है. तो बताओ 1008 रुपीज कितने डे वर्क करने के लिए उसे मिलेंगे. तो 1008 रुपीज, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो डेज भी ज्यादा वर्क किया होगा, ज्यादा डे वर्क किया होगा. तो अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन. डायरेक्ट रिलेशन में क्या करेंगे, डिवाइड 240 बाय 5, 1000 बाय में y2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y2 मल्टीप्लाई 240, यहां से y2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितनी आ जाएगी, 21 डेज. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. The amount of extension is in elastic string is in a direct variation with the weight hang on it. हमें weight और extension given है और बोला गया कि दोनों के बीच direct variation है. Direct variation है तो हमें पता है हमें divide करना है. If weight 250 gram produce an extension of 3.5 centimeter. जब weight 250 है तो extension 3.5 है. हमें weight find out करना है जब extension 21 centimeter है. So लेट वेट एज अ एक्स एंड एक्सटेंशन एज अ वाई. वेट ग्राम में है, एक्सटेंशन सेंटीमीटर में है. 250 ग्राम वेट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3.5 सेंटीमीटर को. तो 21 सेंटीमीटर को कितने वेट रिप्रेजेंट करेगा, हमें बोला गया है डायरेक्ट वेरिएशन है. डायरेक्ट वेरिएशन है तो डिवाइड 250 बाय में 3.5. 250 बाय में 3.5 इज इक्वल टू में एक्स टू बाय में 21 सेंटीमीटर. देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3.5 पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा डेसिमल का, कट करके कितना आ जाएगी एक्स टू की वैल्यू, 1500 ग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. द थिकनेस ऑफ द 12 शीट ऑफ अ चार्ट पेपर इज 35 mm. 12 शीट्स की थिकनेस है 35 mm. देन फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ 294 शीट्स. जब शीट्स इंक्रीज हो गई है तो उनकी थिकनेस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो डायरेक्ट वेरिएशन है यहाँ पे. सो इन 11 क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ शीट एज अ एक्स एंड थिकनेस एज अ वाई. शीट एक्स लेट कर ली और थिकनेस वाई में लेट कर ली. थिकनेस मिलीमीटर में है. 12 शीट की थिकनेस है 35, तो फाइंड आउट करनी है 294 शीट की थिकनेस. शीट्स इंक्रीज हो रही है तो थिकनेस भी क्या हो जाएगी, उनकी इंक्रीज हो जाएगी. तो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट. डायरेक्ट रिलेशन है तो क्या करेंगे, डिवाइड 12 बाय में 35, 294 बाय में y2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई की यहां से y2 की वैल्यू क्या आ गई, 35 मल्टीप्लाई 294 बाय में 12. तो कट करके हमारे पास क्या आया, 1715 डिवाइड बाय 2 और कट करके 857.5 mm मींस मिलीमीटर.
दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. इन 12th क्वेश्चन, इन 12 डेज द अर्थ पिक्स अप 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 केजी ऑफ डस्ट, देन इन हाउ मेनी डेज इट विल पिक 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 केजी ऑफ डस्ट. तो 1.8 कितने में पिक करती है? 12 डेज में. तो 7.2 डस्ट ज्यादा हो गई, तो ज्यादा डस्ट वो कितने डेज में पिक करेगी? ज्यादा डेज में ना, तो ज्यादा के लिए इंक्रीज सेम वेरिएशन है, तो क्या होएगा? डायरेक्ट वेरिएशन. सो लेट डेज एज एक्स एंड डस्ट एज अ वाई. डेज एक्स में है, डस्ट वाई में है. जब 12 डेज थे तो 1.8 में थी डस्ट. अब डेज फाइंड आउट करने हैं. जब डस्ट है 7.2, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो मल्टी डिवाइड हो जाएगा 12 by 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से इस वैल्यू को राइट साइड पे लाए तो डिवाइड हो गई, डेसिमल को रिमूव किया तो बाय में 10 और ऊपर भी 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट गया. 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3 को 72 पे कट किया, 24 2 जा 48 डेज. तो कितने डेज आ गए? 48 डेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. इन क्वेश्चन नंबर 13, 35 चिल्ड्रन नीड्स 122.5 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस फॉर डांस परफॉर्मेंस. 35 चिल्ड्रन को इतना स्पेस की रिक्वायरमेंट है, देन 21 मीटर स्क्वायर स्पेस है. इफ ओनली 21 मीटर स्क्वायर स्पेस इज अवेलेबल, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन परफॉर्म. जब 122 ज्यादा है, ज्यादा स्पेस पर ज्यादा बच्चे परफॉर्म करेंगे. फिर अगर स्पेस कम है तो चिल्ड्रन भी कम परफॉर्म करेंगे. तो वेरिएशन क्या जा रही है? सेम जा रही है, तो डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डिवाइड. लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स, स्पेस एज अ वाई. 122 मीटर स्क्वायर स्पेस को 35 चिल्ड्रन कवर करते हैं, तो 21 स्पेस है, 21 मीटर स्क्वायर कम स्पेस है, तो चिल्ड्रन भी कम कवर करेंगे. कम स्पेस पर कम चिल्ड्रन आ सकेंगे. सो कौन सा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन. 35 by 122.5 इज इक्वल टू में एक्स टू बाय में 21. क्रॉस मल्टीप्लाई की, 122.5 को राइट हैंड पर ले गए तो नीचे आ गए डिनोमिनेटर में, तो कट किया हमने, यहाँ से डेसिमल को रिमूव किया तो ये 10 ऊपर चला गया, देन 5 पे कट किया, 5 टू जा 5 पे नीचे कट किया तो 245, देन 35 से कट किया, 35 वन जा 35, 7 जा 245, 7 वन जा 7, 3 जा 21, देन क्या आ गया? 3 टू जा 6, x2 की वैल्यू आ गई 6 चिल्ड्रन. 21 मीटर स्क्वायर स्पेस पर कितने चिल्ड्रन आ सकते हैं? 6 चिल्ड्रन. दैट इज एक्सरसाइज 9.1. थैंक यू.